नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्या एक लैपटॉप बिना बैटरी के स्टार्ट हो सकता है क्या। ये एक लैपटॉप है नेटबुक MIMI की SCL की। इसकी बैटरी हमने निकाल दी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इसकी बैटरी यहाँ से लेके यहाँ तक थी, खराब हो गई थी, इसको हमने निकाल दिया है। तो क्या अब ये बिना बैटरी के चलेगा, इसी को अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं। ये देखिए, ये लैपटॉप है मी का और इसकी बैटरी हम लोगों ने निकाल दी है। न सिर्फ बैटरी निकाली है बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों ने इसका कीबोर्ड भी निकाल दिया है। तो अब हम ये चेक करने जा रहे हैं कि क्या एक लैपटॉप बिना बैटरी के और बिना कीबोर्ड के, एक्सटर्नल कीबोर्ड के सहारे क्या ऑन हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पावर सप्लाई लगा रहे हैं और ऑन करते हैं। तो दोस्तों, हमने कनेक्शन कर दिया है, देखते हैं ऑन होता है कि नहीं होता। ये ऑन हो गया। देखिए ऑन हो गया है लैपटॉप। ये आपके सामने देखिए ऑन हो गया है और इसको अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सटर्नल कीबोर्ड के द्वारा। देखिए अब ये सेटअप स्टार्ट हो गया है। ये स्टार्ट कर दिया है। एक्सटर्नल कीबोर्ड के द्वारा भी हम काम कर सकते हैं। देखिए विंडो जो है काम कर रहा है। इसमें बैटरी हमने कोई नहीं लगा रखी है, बिना बैटरी के है। ये अब आप अपने सारे काम कर सकते हैं। यहाँ आपको थोड़ा सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि कीबोर्ड के लिए जगह बनानी पड़ेगी अलग से, क्योंकि आपके पास माउस का विकल्प होता नहीं है। इसलिए आप कीबोर्ड के लिए अलग से थोड़ा सा जगह बना के रखिए ताकि कुछ काम हो सके। तो अब आप यहाँ पे अपनी जितनी भी फाइलें हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये मूवी की फाइल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ केवल एक दिक्कत आती है कि अगर लाइट चली जाएगी तब क्या होगा। यहाँ आपको UPS में इसका कनेक्शन करना पड़ेगा। जो इसका मेन कनेक्शन है वो आपको UPS में करना पड़ेगा। अगर आप UPS में कनेक्शन करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अन्यथा जैसे ही आप पावर बटन को या सप्लाई को ऑफ करेंगे कंप्यूटर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या कंप्यूटर अपने आप बंद होता है तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं कि इसका बैटरी से बिल्कुल किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। अब ये देखिए मैं निकालने जा रहा हूं पावर सॉकेट, अब जैसे ही निकालूंगा ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए,
तो इस तरीके से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इस लैपटॉप को हम बिना बैटरी की सहायता से भी ऑन कर सकते हैं और साथ ही साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड के द्वारा भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है अगर इसके ओरिजिनल कीबोर्ड गड़बड़ हो। दरअसल जब ये आया था तो इसका ओरिजिनल की पैड गड़बड़ हो गया था 2-3 महीने बाद ही, लेकिन एससीएल वालों ने इसे बदल कर नहीं दिया, तो मुझे मजबूरी में इसके साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना पड़ा था। तो ये एक अच्छा सबक है, किसी को अगर समझ में आता हो कि अगर वो बिना बैटरी के काम करना चाहता है लैपटॉप पर तो वो काम कर सकता है। साथ ही साथ एक्सटर्नल कीबोर्ड के द्वारा भी काम किया जा सकता है। एक्सटर्नल कीबोर्ड 250-250 रुपए का आता है, जबकि इंटरनल कीबोर्ड लगभग 1000-1200 रुपए का है लैपटॉप का।